देखना है। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग एंड ये जो हिंदी चैनल है हमारा इंडियन चैनल है, बहुत सारे चैनल्स ऑनलाइन है, नेटफ्लिक्स है, सारे बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स हैं। इन लोगों ने बहुत सारे नए कलाकारों को चांस दिया है। अभी मैं लॉन्च देख के आई, देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू एक्टर्स एंड न्यू कैरेक्टर्स, न्यू शोज, कुछ बच्चों के स्कूल के ऊपर कुछ शो है, सो इट इज़ नाइस। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टेक्नीशियंस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक्टर्स को मिलेगी, प्रोड्यूसर्स को मिलेगी, अंदर इंटीरियर्स गाँव में दिखाई जाएगा ये चैनल। सो आई एम वेरी हैप्पी, ऑल द बेस्ट टू मूबू टीवी। उन लोगों ने मुझे एक छोटी सी ट्रॉफी दी है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दैट एंड आई वॉज ग्लैड टू शेयर माई बचपन की स्टोरी। सो या थैंक यू। या Well, from a channel, you'd always expect great entertainment. You expect something different. What standards this channel is going to set? Like, obviously, we have so many array of the main channels that we see. But what does this channel? What is this channel going to be about? Or comedy? Is it going to be about teaching something? Is it going to be entertaining? What? So obviously, we have great expectations when a channel opens, and we want to wish them all the best also because it's their first day. Yeah, I just wish everyone belonging to the channel and the people who put in hard work and sweat and blood to make different shows all the very best. One more channel amongst the 10,783rd channel. So I just wish that the competition is more, there is more work for everyone, and it's just a boon to our industry to have so many channels now and with great content. So all the best guys and all the best to MUBU the channel. I think MUBU, what does MUBU stand for? It is actually unique, a name so that, you know, people just catch on to the name rather than having a, you know. MUBU matlab, they must have got confused. Mumbai bolo ya Bombay bolo, so MUBU. Yeah. I think har Bharatiya ka sapna hai ki hamara desh swachh rahe. So I don't know whether this channel is going to show something about that. But yeah, I don't know whether it's Har Bharat ka sapna. Let's see ki ye kya sapna dikhate hain. Yeah. Friendship day. So matlab main idhar aaya. Oh my god. Dono dost hain main. Well, friendship day mein main believe karti hu ya nahi wo alag baat hai, lekin main friendship mein definitely believe karti hu. आई थिंक हम लोग तकरीबन 25 साल से फ्रेंड्स हैं, सो दैट सेज इट ऑल कि हम लोग फ्रेंड्स में कितने बिलीव करते हैं एंड ऑलमोस्ट हर चैनल में काम किया हुआ है। या सो होपफुली वी डू समथिंग फॉर दिस चैनल आल्सो। आप लोगों को मैं इनके बचपन में नहीं था, मैं बहुत बाद में आया और मैं भी इनके बचपन में नहीं थी। बुढ़ापा काफ़ी है इनके साथ बिताने। नहीं बट इट इज़ ऐसा ही माहौल था बहुत साल पहले जब हमने पहली बार जब काम किया था और एक चैनल के लिए काम किया था, तो ऐसा ही एक्साइटमेंट एक्साइट थ्रिल था एंड होपफुली आई प्रे लाइक यू नो एंड ऑल आर ब्लेसिंग्स टू MUBU चैनल दैट दे रियली डू गुड एंड कम अप विद सम रियल गुड प्रोग्राम्स। थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली इट्स अ क्यूट नेम, इट्स अ रियली रियली क्यूट नेम एंड सुपर्ब नेम एंड वी विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैनल एंड हम लोगों ने कुछ प्रोमोस देखे। ऑलराइट, इट इज लाइक वी लव्ड इट, वी लव्ड इट, वी एक्चुअली अमेजिंग, इट्स रियली अ गुड एंड यूनिक नेम, आई थिंक पीपल विल लव इट एंड आवर विशेस आर विद MUBU, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस सक्सेस एंड सक्सेस। बहुत अच्छे और डिफरेंट परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों से, और हमें लगता है कि जो दिखा उससे भी ज़्यादा, और मुझे लगता है कि इतना अच्छा दिखा है तो मुझे लग रहा है कि चैनल भी बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये चैनल बहुत धमाका करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सुपर वाला, वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट में जिस तरीके से सब टीवी ने जितना जो है आज भी हर घर में देखा जाता है वैसे ये भी चलेगा, और आजकल जो है वो
एंटरटेनमेंट चाहिए तो ये चैनल जो है वो सब कुछ लोगों को देगा जो उनको चाहिए. बेस्ट ऑफ लक टू मुबु चैनल. और जो टाइटल है, जो नाम है चैनल का मुबु, वो पूरी इतना क्यूट है और मुझे लगता है इसको बच्चे भी बहुत प्रेफर करेंगे. एंड इट्स ए फैमिली चैनल जो फैमिली मिलकर देखेगी. और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच. नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन. ओके, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, मुबु टीवी काफी यूनिक नाम है. मुबु टीवी पहली बार तो नाम ही इतना अलग है. और दूसरी बार नईम वासी सर एंड मनीष श्रीवास्तव, दे हैव डन सच अ गुड जॉब आई गेस. और मुबु टीवी इज़ लाइक हर भारतीय का सपना. हमारा टाइटल ही बहुत यूनिक है और देखते हैं हमें कितना प्यार मिलता है जनता से. मैं रिटर्न ऑफ स्कूल डेज में वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ, बेला बोस का. या मैं साउथ के प्रोजेक्ट्स भी कर रही हूँ. और देर इज़ वन अपकमिंग बॉलीवुड मूवी ऑल्सो, बट इट विल टेक ऑलमोस्ट वन ईयर, सो आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज अबाउट इट. आई विल डिस्क्लोज इट आफ्टर 2-3 मंथ्स इन माई दैट इंटरव्यू. थैंक यू. अब इनका बर्थडे आ रहा है, बात बच्चे सितंबर का टाइम है, 25 तारीख को अभी इन्होंने बोल दिया है 25 सितंबर. मुकेश भाई का बर्थडे होता है तो शाहरुख भाई सब लोग होते हैं बर्थडे पे, तो बोले मनीष तो हमेशा होस्ट करता है इनका, बोले मनीष और तुम होस्ट करना है. मनीष और मैं, हाँ मनीष मैं उनकी बात कर. तो इट वॉज अ वंडरफुल इवनिंग. मनीष जी से मेरी मुलाकात हुई जो मुबु टीवी के फाउंडर डायरेक्टर हैं. एक आध बार फ़ोन पे मेरी बात हुई उनसे. तो एक होता है ना चैनल 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 वालों से तो हम बहुत इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन चैनल वाले का कुछ अलग ही सिस्टम होता है, मैंने हमेशा नोटिस किया है. तो लेकिन मनीष जी के साथ वो जस्ट सो फ्रेंडली. और दूसरी बात, मैं इनके ऑफिस गया, मैं इनके सब स्टाफ से मिला, इनके एक्टर से मिला. ये जो स्टेज पर आज बता रहे थे लोगों को कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, और वो वाकई वैसा है. ये उनमें से नहीं है कि आप एक फैमिली बना के और फिर यू नो बाद में लोग जब पलटता है तो फिर कुछ और ही हो जाते हैं. बट ही हैज़ एक्चुअली मेड अ फैमिली. सो हम सबकी बेस्ट विशेज़ हैं फॉर मुबु टीवी. बड़े सारे चैनल कलर्स भी ऐसे ही नया नया आया था, हम लोगों ने देखा. एंड टीवी जब आया था तो मैंने फर्स्ट शो किया था. शाहरुख सर का एक शो था और मेरा किलर कैरियोके आता था उस पर, तो उसकी भी शुरुआत हुई. लेकिन आज एंड टीवी हो गया. तो मैं यही विशेज़ देना चाहूँगा कि मुबु टीवी भी ऐसे ही जो शुरुआत हुआ है, कल से ये लॉन्च हो रहा है, इसके दो नए शोज़ आ रहे हैं. एक रिटर्न ऑफ स्कूल डेज आप देखेंगे, जो हम मेरे को भी बहुत पसंद आया पर्सनली, मैंने सर को बोला. इट्स अ वंडरफुल शो एंड इट्स अ वंडरफुल टीम ऑफ ऑल द एक्टर्स हु हैव डन वंडरफुल जॉब. सब नए लोग हैं लेकिन आप देखेंगे कि बहुत मेच्योर परफॉर्मेंसेज भी हैं. कोमल ने और हम अमित ने और सभी लोगों ने, ऑल द होल टीम. और वो एक रियल लाइफ स्टोरी पे, जैसा कि सर ने बताया, तो बोलते हैं ना जब रियल लाइफ किस्सा होता है तो ज़्यादा दिल को छू जाता है. और टेलीविज़न ऐसा मीडियम है हमारा, इंडियन टेलीविज़न, आज भी आप इंग्लिश टाइप का शो लाओ तो यहाँ वर्क नहीं करता. यहाँ पर वही सब चीज़ें चलेंगी जो बहुत इंडियनाइज है. जैसे हमारा शो भी हम करते हैं, लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से लेकर आओ जो स्टैंड अप करता है या कदर. यूट्यूब वाले आपने देखा चैनल पे बहुत आए और बहुत चले गए, तो बहुत कुछ ही लोग टिके हुए हैं जो बहुत इंडियनाइज चीज़ दे सकते हैं. तो रिटर्न ऑफ स्कूल डेज मुझे ऐसा लगता है कि वैसा ही एक बहुत इंडियनाइज शो है जो पीपल विल लव टू वॉच. जी,